हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और गाइस, आज मैं राधा रानी जी की आउटलाइन बनाने वाली हूँ। और ये ड्राइंग मैं इसलिए, मतलब पार्ट 3 आने वाला था मेरी एक वीडियो का, आप मेरी वीडियोस चेक करते होगे तो आपको पता चलेगा, और वो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि अभी मैं एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ जो है ज्योति गुप्ता मैम का। उन्होंने एक कंपटीशन रखा है जिसमें मैंने हिस्सा लिया है। और गाइस, वही एक रेफरेंस है जिसमें से ज्योति मैम ने मुझे बहुत सारे रेफरेंस दिए थे, उनमें से एक रेफरेंस ही राधा रानी जी का है। तो ये मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। तो गाइस, आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे बता रही हूँ। जिस भी ऐप का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके उससे बना सकते हो, वो बहुत अच्छा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहो तो उस ऐप से डाउनलोड करके बना सकते हो, बहुत अच्छा ऐप है वो। और यहाँ पे मैंने A to I तक ऊपर लिया है और नीचे से 1 से लेकर 13 तक की लाइन है। और ऐसे मैं फ़ोन से देख कर बना रही हूँ। और जब भी हम कोई रेफरेंस ड्रॉ करें तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपनी पेंसिल शार्प रखें जिससे ड्राइंग रियलिस्टिक बनती है। मतलब जो स्मॉल पार्ट है जहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता, वो पेंसिल शार्प रहेगी तो इससे और अच्छे से बनेगा, रियलिस्टिक बनेगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी पेंसिल को शार्प किया था और मैं उससे बना रही हूँ। और पहले मुझसे ये गलती होती थी कि मैं किसी भी रेफरेंस को जब बनाना स्टार्ट करती थी तो उसे बिल्कुल डार्कली बना देती थी, जो मेरी गलती थी। इससे रेफरेंस अच्छा नहीं आता था और एक तो मिटाने में भी प्रॉब्लम होती थी अगर गलत हो जाता था तो। इसलिए आपको कोई रेफरेंस बनाना हो तो आप बिल्कुल लाइट टू डार्क जाओ, सबसे अच्छा मेथड। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, लाइट टू मीडियम फिर डार्क जाना। ये तो हम आउटलाइन बना रहे हैं पर फिर भी जैसे आइज का थोड़ा पार्ट है वहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइटली सा मीडियम थोड़ा डार्क किया है, बिल्कुल डार्क नहीं कह सकते, मीडियम है। और ऐसे ही हम रेफरेंस को देख देख के बनाएंगे गाइस, हमें कभी भी डार्क नहीं बनाना है, लाइट टू मीडियम जाना है। और फिर गाइस, अगर हम हैंड ड्रॉ करते हैं तो उससे जिस भी वो फ्लो में जा रहा है उसे वैसे ही ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर हम इसे कैसे भी ड्रॉ कर देते तो रेफरेंस अच्छा नहीं आता है। जब भी आप हेयर बनाते हो रेफरेंस की तो उसे देख के